हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। तो गाइज, मैं हूं अभी गांधी मैदान बस स्टैंड और ये बस स्टैंड शिफ्ट होने वाली है फुलवाड़ी में। अब ये हम लोग यहां से जाने वाले हैं फुलवाड़ी बस स्टैंड। तो जाने के लिए या तो आप गांधी मैदान से डायरेक्ट बस ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो ऑटो भी ले सकते हैं। तो गाइज, मैं अब आ चुका हूँ ये फुलवाड़ी शरीफ बस स्टैंड और बिल्कुल शहर से हटकर है, अलग ही लोकेशन पे है भाई साहब। और मैं यहाँ पे आया हूँ बाई ऑटो बाई बस, क्योंकि अभी ऑटो की जो सुविधा है बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है। आपको यहाँ पे आने के लिए गांधी मैदान से बस लेना पड़ता है और गांधी मैदान बस लेने के बाद आपको डायरेक्ट फुलवाड़ी शरीफ थाना के पास, जो कि रोड ही पे है, वहाँ पे उतरना पड़ता है। वहाँ के बाद से लगभग 10 मिनट का डिस्टेंस है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स रास्ता नहीं है, रास्ता बिल्कुल आसान है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है न्यू हाईटेक बस स्टैंड और ये गवर्नमेंट बस स्टैंड है। अभी गांधी मैदान में भी गवर्नमेंट बस स्टैंड चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो बस स्टैंड यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आपको सारी सुविधा मिल जाएगी गांधी मैदान से फुलवाड़ी शरीफ बस स्टैंड आने की। तो यहाँ पे डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर सर हैं और इंजीनियर सर भी हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में बना है ये फुलवाड़ी बस स्टैंड। सर, कुछ बताइए इस बस स्टैंड के बारे में कि मतलब किस किस तरह की सुविधा यहाँ से मिलने वाली है। देखिए, यहाँ से पूरे बिहार के लिए बसें रवाना होगी। मुजफ्फरपुर हुआ, राजगीर हुआ, दानापुर, लॉन्ग रूट के लिए जो है बसें यहाँ से चालू हो गई हैं। जी जी, कलकत्ता यूपी तक का बस, जिससे यात्रियों को जो है काफ़ी सुविधा मिलेगी। और देखिए, बगल में आपके बस निकल भी रही है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि परिवहन परिषद के सारे कार्यालय DTO, BSRTC सब यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। और बगल में ड्राइविंग टेस्टिंग वाले भी चालू हो गया है, तो इसलिए ड्राइविंग टेस्टिंग के लिए भी अगर कोई आएगा तो उसको इसी परिसर में ही उसके सारे काम हो जाएंगे। जी, तो यहाँ पे भी इंजीनियर सर हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। लगभग सर, ये कब तक पूरी तरह से ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा टाइम, ऐसा डेट? ये कैंपस फुली तरह रेडी है और इसमें कोई ऐसा काम है नहीं कि जो बचा हुआ है। आप देख रहे हैं सामने टर्मिनल है, यहाँ से जहाँ से बस का परिचालन होना है ओके है। आपका BSRTC का हेडक्वार्टर है, ये भी पूरा ओके है। बगल में DTO ऑफिस है, DTO हेडक्वार्टर बोलिए, वो भी ओके है। और ऑलरेडी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर तुम्हारा चल रहा है, मतलब मैक्सिमम 20 डेज ये यहाँ से परिचालन मतलब पूर्ण रूपेण चालू हो जाएगा। तो गांधी मैदान में जो बस स्टैंड है वो रहेगा या फिर पूरी तरह से वहाँ पे बंद हो जाएगा? अभी देखिए, अभी का जो ये है कि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यहाँ से सबसे पहले ई बसेज और खुलने का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और CNG दोनों जो बसेज हैं यहाँ खुलेंगी। उसके बाद फिर उन लोग का जो सेकेंड स्टेप है उसमें वहाँ से बस ला करके यहाँ शिफ्ट करना है। अभी प्राइमरी जो फोकस है CNG और इलेक्ट्रॉनिक बस, ये खोलना है और उसके बाद वहाँ से सेकेंड स्टेप में लोग बस वहाँ से कम करेंगे। ऑलरेडी गांधी मैदान से कम करेंगे, पटना के राउंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, जो तकरीबन 150 किलोमीटर के आपको एरिया में आते हैं, वो सब यहाँ से सुविधा उसका चालू होगा। ऑलरेडी अभी आपको उत्तर बिहार के लिए सुविधा चालू है, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, इवन दरभंगा तक यहाँ से भी बसेज जा रही हैं। ई बसेज, ठीक है, तो इस तरह से कुछ छपरा के लिए भी निकल रही हैं, बट अभी दक्षिण बिहार का परिचालन चालू नहीं हुआ है, वो भी यहाँ बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। कहीं जाने का किसी को जरूरी नहीं पड़ेगा, या ड्राइवरी लाइसेंस बनाना हो, या ट्रेनिंग देना हो, या बस अड्डा ढूंढना हो, या DTO बिल्डिंग, BSRTC बिल्डिंग, सब यही इर्द गिर्द में मिल सामने है, सब एक ही कैंपस में हर सुविधा उपलब्ध है यहाँ। जैसे कि सर ने सारी की सारी बातें बता दी हैं कि किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ से आप लोग को मिलने वाली है। लगभग सारी की सारी सुविधाएं आपको इस एक ही कैंपस में मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेंजर बे है, तो यहाँ पे जितने भी पैसेंजर हैं यहीं पे आके रुकेंगे और यहीं से बस लेंगे। और इस तरह आते हैं, ये है कवर्ड बस पार्किंग, यहाँ पे बस पार्क किया जाएगा बाहर तक कहीं ये कैंपस। अभी अंदर जाते हैं तो BSRTC बिल्डिंग है और इसके जस्ट पीछे DTO बिल्डिंग है। यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये आपको यहाँ पे दिख जाता है सेंट्रल स्टोर। यहाँ पे जितने भी बस के पार्ट्स हैं ये सभी यहाँ पे रखे जाएंगे। और ये जो है कवर्ड बस पार्किंग, जो भी बस नहीं जाएंगे तो यहाँ पे वो पार्किंग में लगा दिए जाएंगे। लगभग 22 बसों की यहाँ पे कैपेसिटी है रुकने की, यहाँ पे पार्किंग करने की, टिकट भी कटता है यहाँ से। तो यहाँ पे एक और फैसिलिटी जो बहुत खास है, अगर बाहर से कोई आ रहे हैं, बाहर से कोई पैसेंजर आ रहे हैं, अगर उन्हें कहीं जाना है बाय ट्रेन, तो यहाँ से वो टिकट भी करवा सकते हैं ट्रेन का। ये रूम है, तो ये रूम बनाया गया है जो कि रेलवे टिकट काउंटर है। और यहाँ पे है बुकिंग ऑफिस,
तो ये बुकिंग ऑफिस रह जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं यात्री प्रतीक्षालय कक्ष, पब्लिक वेटिंग रूम, और इस तरफ एक टॉयलेट, इधर हैं महिलाएं और इधर हैं जेंट्स। फिलहाल तो अभी ये लॉक है। और भाई अगर जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये टॉयलेट बनाया गया, मतलब सारी तरह की सुविधाएं से लेस ये न्यू हाईटेक बस स्टैंड है। ये हो गया सेंट्रल स्टोर। और इसी के आगे हम लोग जाते हैं तो चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको चार्ज किया जाएगा। तो ये जो है, ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये है चार्जिंग स्टेशन। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 चार्जिंग पॉइंट बनाया गया यहाँ पे। यहाँ पे इजली बस जो है वो चार्ज हो जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे है ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, दो पहिया पार्किंग, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। तो यहाँ पे आप ड्राइविंग टेस्ट दीजिएगा। आई होप सो आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी, यहाँ तक आने से लेकर के अंदर किस किस तरह की सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए इसी जानकारी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए।